हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं निकला हूँ शिमला की एक वॉक लेने। घर पे बड़े बड़े बोर हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा शिमला पैदल भी घूम लें। तो अभी मैं जाऊँगा यहाँ से रेलवे स्टेशन और उधर से पूरा मॉल रोड होते हुए फिर घर वापस आऊँगा। तो उसमें मेरे 3-4 घंटे लगेंगे, बट शिमला में वॉक करने का भी अपना अलग ही मज़ा है एक। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को कोई छोटा हाथी लिफ्ट दे दे तो मैं उसमें बैठ के जाऊँ आधा रास्ता। टाटा पिकअप आ रही है पीछे से, तो पहली भरी हुई है। तो यार भैया सब देखते हुए तो जा रहे हैं पर कोई रोक नहीं रहा। ट्रक में अगर बैठने को मिल गया तो देखते हैं कहाँ मिलता है। मेगा की आज तबीयत ख़राब है तो मेगा मेरे साथ नहीं आई है, अदरवाइज़ उसका भी मॉल रोड जाने का बड़ा मन था क्योंकि जब से हम आए हैं हम कभी गए नहीं। तो मॉल रोड के भी दर्शन कराते हैं आपको। तो एक ट्रक आया है, इसे लिफ्ट मांग के देखते हैं। नकार दिया उस भाई ने तो मेरे को। आना है वहाँ ऊपर उस पहाड़ पे, मतलब अभी हम वहाँ पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, ऐसा सीन है। और भाई जी ठीक ठाक मज़े में? ठीक है बिल्कुल। आज सारी टूरिस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं क्योंकि कल हिमाचल शिमला पूरा पैक्ड था टूरिस्ट से। इवन रात को हम बाहर निकले थे थोड़ी देर घूमने के लिए तो हमने देखा कि लोग बेचारे गाड़ियों में भी सो रहे हैं क्योंकि होटल्स की ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 100% थी कल। तो अगर आपका शिमला का प्लान बन रहा है आने का तो प्लीज़ अपनी एडवांस बुकिंग करके आएँ भैया। प्लीज़ यार आगे तक छोड़ दो यार, प्लीज़ यार प्लीज़। और हमें लिफ्ट मिल गई। सर क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद। मंसूर अहमद जी ने हमें लिफ्ट दी है। आप कहाँ से हो? कश्मीर से। कश्मीर से हो? वाह जी वाह, कश्मीर से हैं सर जी। तो कहाँ जा रहे हैं आप, क्या भरा हुआ गाड़ी में? अभी भाग नहीं, अभी भरा है चावल आटा चीनी। चावल आटा चीनी और तेल। तेल सरसों का तेल? बड़ा महंगा हो गया ना सरसों का तेल। इधर तो सब चीज़ महंगा से महंगा है। गया हूँ मैं कश्मीर एक बार। कहाँ पर गए आप? मैं डल लेक गया जी, डल झील में। डल झील में फिर आगे वो क्या है जहाँ सोनमर्ग। हाँ सोनमर्ग गया हूँ, जहाँ से लद्दाख जाते हैं। लद्दाख ही जा रहा था मैं। जहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए ऊपर नहीं जाती सड़क पैदल की, वहाँ उतार देना मेरे को आप। मुझे भी वहाँ तक जाना है। आपको ऊपर जाना है ना? हाँ हाँ। मैं तो यहाँ फागली में फिर रेलवे ऊपर है ना सर? ठीक है, वो शॉर्टकट जाएगा थोड़ी से ऊपर जाना बस। ठीक है देखना कल देखना। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, बाय बाय। सर मैंने बोला था कुछ ना? ना मैं कुछ नहीं कह रहा जी, आपने पूछा। ओके बाय जी। तो लिफ्ट के बाद अब मैं अपनी सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ टुवर्ड रेलवे स्टेशन। और मंसूर जी बहुत बढ़िया आदमी लगे मेरे को, लिफ्ट दे, खाना पीना भी पूछा भाई उन्होंने। तो 5 मिनट के सफ़र में खा लो जी कुछ खा लो। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब हैप्पी फेस, जॉली फेस, दिल खुश कर दिया मेरा उन्होंने। हाय शिमला में ना थोड़ा चलो कार्डियो खुद हो जाता है, जिम विम जाने की ना ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा निकलो, जिम ही जिम है यहाँ। ओए अब नहीं चला जा रहा। ओए भगवान, शिमला की जो बोली है ना वो बड़ी प्यारी है। हमारे देहरादून में हरियाणा में हमारी होती है कड़क खड़ी बोली, होती तो स्वीट है हमारी भी, बट शिमला के लोग एड्रेस बड़ा प्यार से एक्सप्लेन करते हैं, इधर को चले जाना जी, उधर को चले जाना। मतलब उनकी स्वीटनेस ना, इट इज़ वेरी प्योर, वेरी प्योर। हॉन्किंग इज़ नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर सेफ्टी। वाह यार, मतलब इतना खाली खाली घर दिख रहे हैं, लोग नहीं दिख रहे। ये सामने पूरा घर लकड़ी का बना हुआ है, पूरा वुडन है यार ये। इधर ऐसा लग रहा है कहीं हेरिटेज विलेज में आ गया हूँ मैं, सारी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है इधर। 55 साल के हो गए नहीं चल पा रहे। आप कब आए दिल्ली से? मैं 24 को आया था सर। ठीक है सर जी, ढूंढो आप फल। थैंक यू। दिल्ली के सर ढूंढ रहे कि यहाँ फल कहाँ मिलेंगे, फल की तो यहाँ जगह नहीं। अंकल कह रहे हैं मैं नीचे तो आ गया, अब वापस ऊपर कैसे जाओ यार, यहाँ तो चढ़ाई में पैर टूट गए मेरे। और ये आ गया शिमला का रेलवे स्टेशन।
बार और अच्छे से इंजन है बस, नहीं ट्रेन है। ये घड़ियाँ और ट्रेनें कालका जाएंगी वो। तो उधर वो जो गोल सा चक्का है उस पर शायद इंजन चढ़ाया जाता है और फिर शायद मैन्युअली हाथ से धक्का देके उसे घुमाया जाता है ताकि उसकी पोजीशन चेंज करी जाए। अब इधर को जाना है तो शायद यही होता है। और कुछ होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो किस लिए यूज़ होता है। तो इस खूबसूरत सी जगह को अब छोड़ के अब चलते हैं हम आगे दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, मॉल रोड की तरफ। वहाँ कहीं नीचे मेरे को रोड दिख रही है, मैं वहाँ था थोड़ी देर पहले जहाँ मेरे को मंसूर भाई ने लिफ्ट दी। ये है पूरी शिमला का व्यू। तो ये मेन रोड हमने नीचे छोड़ दी, अब हम पैदल पैदल मॉल रोड की तरफ चलते हैं। शिमला के इस वाले पार्ट में तो मैं भी पहली बार आया हूँ, शायद लोअर बाजार है। ये शिमला की लोकल मार्केट है, तो अगर आप यहाँ घूमने आए तो ये भी जरूर आए। तो ये सारा शिमला का मॉल रोड से नीचे जो है लोअर बाजार है और कंपैरेटिवली ये मॉल रोड से सस्ता होता है, तो आप यहाँ पे भी आके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। खाने के बहुत सारे आउटलेट्स हैं यहाँ पे, वो भी फेमस। पीछे है नथुराम। तो मैंने शॉर्टकट ले लिया एक, और ये क्या खड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई यहाँ पे, सीढ़ियों पे ज़्यादा थकते हैं, दर्द हो गया मेरे पैरों पर। तो ये है शिमला की फेमस मॉल रोड। यहाँ पे गाड़ियाँ लाना, फोर व्हीलर टू व्हीलर कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये मैं पहुँच चुका हूँ स्कैंडल पॉइंट पे। तो ये नीचे है स्कैंडल पॉइंट, इधर से जो रोड गई है किधर, ये गई रिज के लिए, सामने हमारा तिरंगा। ये नीचे वाली रोड गई मॉल रोड के लिए, आगे जाके वैसे ये दोनों मिल जाती हैं। और व्यू देखो आप, कितना खूबसूरत व्यू है। तो ये सामने है शिमला का टाउन हॉल और एक इनमें से कोई थिएटर है जिसमें गदर पिक्चर के गाने की शूटिंग हुई है, मैं निकला गड्डी लेके, सनी देओल वाली। तो अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स रिज। तो ये है फेमस रिज मैदान। एक्चुअली रिज के नीचे कहते हैं कि पानी की टंकी है, ये मेरे को कंफर्म नहीं है कि है कि नहीं है, बट इसे रिज मैदान बोलते हैं। वो सामने आप देख रहे हैं वो है क्राइस्ट चर्च ऑफ शिमला। चलते हैं घर की तरफ, देखते हैं क्या हो रहा है घर पे। और थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। हेलमेट नहीं है यार यहाँ पे, ये बड़ी दिक्कत है। हेलमेट घर से लेके आना चाहिए था मुझे। फाइनली इलेक्ट्रिक बस के भी मज़े ले लिए हमने।
7 रुपए में इन्होंने मुझे पहुँचा दिया, वो भाई जेसीबी 7 रुपए में इन्होंने मुझे पहुँचा दिया अपने घर के पास। मेघा और मैं जो शिमला आए थे ना, वो इसलिए आए थे क्योंकि मानसून सीज़न आ गया और यहाँ पे बारिश होगी बहुत बढ़िया, और जब ना उस टाइम पे बादल बहते हैं और इतना सुंदर वेदर होता है ना, पर एक हफ्ता हो गया एक दिन बारिश नहीं हुई यहाँ, मतलब बारिश एक दिन हो जाती तो बहुत बढ़िया हो जाता मौसम ना, इतना पहाड़ हो जाता है ना। घर जाके आपको दिखाता हूँ कि मेरा आज कितने किलोमीटर चला मैं। तो मेरी आज टोटल वॉक रही घर से घर तक 8.25 किलोमीटर की, 8.15 किलोमीटर, और मेरे पैर थक रहे हैं बहुत बुरी तरह।